मूवी की शुरुआत में हम एक टीटी जिसका नाम जो है उसे देखते हैं। वो काफी अपसेट था क्योंकि उसका प्रमोशन नहीं हो पाया था, बल्कि उसके कलीग को प्रमोशन मिल गया था। जो को प्रमोशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो पैसेंजर से फाइन लेने में एक्सपर्ट नहीं था। वहीं हम एक ट्रेन हॉस्टेस एलन को देखते हैं, जो एलन को लाइक करता था पर वो उससे ये बात कभी नहीं कह पाया। आज रात जो की नाइट शिफ्ट थी और जैसे ही ट्रेन चलती है जो टिकट कलेक्ट करता है, लेकिन कोई भी उससे अच्छे से बिहेव नहीं करता। जो एक लड़की के पास टिकट लेने जाता है लेकिन उसके पास टिकट नहीं होती। जो उससे फाइन पे करने को कहता है। सबके टिकट्स चेक करने के बाद जो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और सो जाता है। तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है। इलाका काफी खतरनाक था क्योंकि यहाँ कोई सिग्नल काम नहीं करते। ट्रेन का ड्राइवर टोनी अब रेलवे ट्रैक को चेक करने जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि ट्रेन के नीचे एक हिरन आ गया है जिस कारण से ऐसा हुआ। टोनी को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। हिरन को बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसी समय एक खतरनाक जानवर जो कि किसी वेयरवुल्फ जैसा लग रहा था उस पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। ड्राइवर के काफी देर से वापस ना लौटने पर सारे पैसेंजर काफी एग्रेसिव होने लगते हैं। वो जो से डिमांड करते हैं कि वो किसी तरह इस ट्रेन को चलाए। सिचुएशन ये थी कि ट्रेन की फ्यूल लाइन्स लीक हो रही थी और वही कोई सिग्नल भी नहीं था। वो सबको बताता है कि ड्राइवर मिसिंग है, जिस पर एक पैसेंजर एड्रियन कहता है कि उसको पैदल चलकर पास के स्टेशन पर जाना चाहिए। जो पहले तो ऐसा करने से मना करता है लेकिन पैसेंजर्स के प्राइस करने पर उसे उनकी बात माननी पड़ती है। वो लोग ट्रैक के किनारे चलकर जाते हैं, मगर कुछ दूर जाते ही जो को ड्राइवर की बॉडी मिलती है जिसकी बहुत बुरी तरह से चीरफाड़ की हुई थी। ये देखकर जो जल्दी से सबको ट्रेन में चलने को कहता है। सब पैसेंजर तो ट्रेन में चढ़ जाते हैं लेकिन एक लेडी का पैर गेट पर फंस जाता है जिसको वो वेयरवुल्फ काट लेता है। सब लोग उस लेडी को अंदर खींचते हैं पर वो काफी इंजर्ड हो गई थी। वो लोग फौरन उसके पैर पर बैंडेज लगाते हैं। अब सभी पैसेंजर काफी डर जाते हैं कि आखिर ये जानवर है क्या। थोड़ी देर बाद एक लड़की का फोन रिंग होता है और बस तभी अचानक वो वेयरवुल्फ विंडो तोड़कर उस लड़की को पकड़कर ट्रेन के ऊपर ले जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। सब लोग बैठ जाते हैं और उन पैसेंजर्स में से एक बूढ़ा आदमी सबको रेल क्रैश की एक न्यूज बताता है, जहां पर अगली सुबह सारे पैसेंजर्स आधे खाए हुए मिले और ये माना जाता है कि ये वेयरवुल्फ का काम था। सब लोग काफी अच्छी तरह से ट्रेन के दरवाजों और विंडोज को बंद कर देते हैं, हथियार लेकर बैठ जाते हैं। यहाँ इनका एक पैसेंजर गायब था जो कि वॉशरूम गया था। उसी समय वो वेयरवुल्फ ट्रेन में आ जाता है और उस पैसेंजर को मार डालता है। सब जो अपनी आंखों के सामने देखता है क्योंकि वो उस पैसेंजर को बचाने गया था। वेयरवुल्फ दिखने में काफी भयानक था। अब सारे पैसेंजर मिलकर किसी तरह उस वेयरवुल्फ को मार डालते हैं। वो लोग उसके हाथ में एक रिंग भी देखते हैं जिससे वो समझ जाते हैं कि ये भी पहले इंसान था और बाद में वेयरवुल्फ बन गया। इन पैसेंजर्स में से एक लड़के बिली को ट्रेन की अच्छी खासी नॉलेज थी। वो जो और एलन को ट्रेन कंट्रोल के बारे में समझाता है और खुद एक लड़के को साथ लेकर जाता है फ्यूल लीकेज को ठीक करने। ली ट्रेन को ठीक करने लगता है और वो दूसरा लड़का जंगल की ओर जाता है क्योंकि उसे वहाँ किसी की आवाज आ रही थी। वहाँ जाने पर उसको तीन वेयरवुल्फ मिलते हैं जो कि उसको भी मार देते हैं। ये वेयरवुल्फ ट्रेन की तरफ आ रहे थे लेकिन बिली ट्रेन को इतना ठीक कर देता है कि वो थोड़ी चल पड़े। कंडीशन ये थी कि बिली ट्रेन की बोगी के नीचे ही छुपा हुआ था और ट्रेन चल रही थी। वो लेडी जिसे वेयरवुल्फ ने काटा था वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो रही थी। वेयरवुल्फ बनकर वो उस बूढ़े आदमी को मार देती है और उसे खा लेती है। अब वो लड़की जिसके पास टिकट नहीं थी एक जगह पर छुप जाती है लेकिन पीछे से एक वेयरवुल्फ आकर उसे पकड़ लेता है और फिर एड्रियन उस लड़की की हेल्प करने के बजाय उसे वेयरवुल्फ की ओर धकेल देता है ताकि वो वेयरवुल्फ उस लड़की को खाए और वो आदमी जिंदा बच जाए। अब वो लड़की भी मारी जाती है और वो लेडी जो वेयरवुल्फ बन गई थी उस सेल्फिश आदमी को मारने ही वाली थी, लेकिन उसी समय जो वहाँ आकर उस लेडी को मार देता है और उस आदमी को बचा लेता है। यहाँ बिली ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में फिर से फ्यूल लाइन को तोड़ देता है जिससे ट्रेन रुक जाती है। अचानक कुछ वेयरवुल्फ ट्रेन में आ जाते हैं। एड्रियन जो और एलन को ट्रेन में फंसा कर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ बिली आकर ट्रेन के फ्यूल को यूज करता है और एक वेयरवुल्फ को जलाकर मार डालता है। जो और एलन को तो बचा लेता है लेकिन खुद उन वेयरवुल्फ के हाथों मारा जाता है। जो एलन को अपने दिल की बात बताता है और उसे यहाँ से भागने को कहता है। एलन काफी दुखी थी क्योंकि वो जो को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, मगर फिर भी वो वहाँ से चली जाती है।
है। वो वेयरवुल्फ जो पर अटैक करके उसको भी मार डालते हैं। हेलेन अब किसी तरह पास के स्टेशन पहुंच जाती है और उसके हाथ में जो के नाम का टैग था। उसी तरफ एड्रियन सोचता है कि वो बच गया है, मगर तभी चारों तरफ से वेयरवुल्फ आ जाते हैं जिसमें एक जो भी था। सब वेयरवुल्फ एड्रियन को मार डालते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।